हांगझोउ में हुए एशियाई खेलों में सेपक टाकरा के रिंगू इवेंट में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम का हिस्सा रही बरेली की खुशबू का शहर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। गुरुवार शाम को ट्रेन से जंक्शन पहुंचने पर खुशबू का कोच परिवार के लोगों और दोस्तों ने ढोल नगाड़ी और फूलमालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान ट्रेन से उतरते ही उसकी साथियों ने खुशबू को कंधे पर उठा लिया, जिसके बाद ढोल नगाड़े और डीजे पर जमकर डांस करके मेडल जीतने की खुशी मनाई गई। आपको बता दें कि खुशबू ने 2012 में हाई स्कूल और 2014 में इंटर की परीक्षा आरएन टैगोर इंटर कॉलेज से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था, जबकि 2017 में स्नातक की परीक्षा पास की, जबकि 2007 से खुशबू ने साइंस सेंटर में सेपक टकरा का अभ्यास शुरू किया था। इस दौरान खेल कोटे में खुशबू को सशस्त्र सीमा बल में नौकरी मिल गई और वर्तमान में खुशबू की तैनाती गुवाहाटी में है। ये भी बता दें कि खुशबू का भाई शिवम हॉकी प्लेयर है। वहीं एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने के बाद से खुशबू के परिवार, परिचितों और दोस्तों में खुशी का माहौल है। खुशबू के पिता गोपाल कनौजिया ने बताया कि खुशबू के प्रदर्शन ने बरेली का नाम रोशन किया है, यह देश को गौरवान्वित करने वाली बात है। खुशबू की माँ मीना कनौजिया को भी अपनी बेटी पर गर्व है। वहीं कोच ने बताया कि वह खुशबू के इस प्रदर्शन से काफी खुश है, उसने देश के साथ साथ बरेली का नाम भी रोशन किया है। इस दौरान एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीत कर लौटी खुशबू ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, कोच और साथी खिलाड़ी को दिया है। मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया और मेरे सब बरेली वालों ने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया, ये दिन आज मेरे लिए बहुत यादगार रहेगा। किसको क्रेडिट देते हैं? मैं अपने कोच साहब को, अपनी फैमिली वालों को और अपने सब प्लेयर्स के लिए बोलना चाहता हूँ। थैंक यू।